गोरखपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड में जो नए तथ्य सामने आए हैं उनके अनुसार गोरखपुर में एक बड़ा होटल माफिया कार्यरत है। गोरखपुर में लगभग एक दर्जन ऐसे होटल हैं जहां बड़े व्यापारी ठहरते हैं और तगादा आदि की वसूली में यदि किसी व्यापारी के पास 10-15 लाख की नकदी होती है तो होटल कर्मचारी संबंधित थाने को इसकी सूचना दे देते हैं और पुलिस वाले तलाशी के बहाने व्यापारी के कमरे में घुसते हैं और ये कहते हुए कि ये नंबर 2 की रकम है, पहले व्यापारी को डराते धमकाते हैं, फिर हिस्सेदारी मांगते हैं और तो और लूटपाट तक करने को तैयार रहते हैं। इसमें होटल कर्मियों का भी कमीशन रहता है। मनीष गुप्ता के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बदमाश की तलाशी के नाम पर केवल मनीष के कमरे में ही पुलिस वाले गए थे, किसी दूसरे कमरे में न तो उन्होंने तलाशी ली और न ही छानबीन की। इस तरह की अनेक घटना पहले भी हो चुकी है। मनीष ने पुलिस द्वारा पैसे छीनने का जब विरोध किया तो उन्हें पीटा गया और इस हद तक पीटा गया कि उनकी मौत हो गई। बाद में इसे मात्र दुर्घटना साबित करने का भी प्रयास किया गया और तो और पोस्टमार्टम में भी मनचाही रिपोर्ट बनवाने के लिए डॉक्टर पर दबाव डाला गया। इतना ही नहीं, होटल में गोरखपुर के जिलाधिकारी और SSP ने पहुंचकर मनीष के परिवार और पत्नी पर मनचाही रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। गोरखपुर जो कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, वहां पुलिस जब इस हद तक गिरा हुआ काम कर रही है तो दूसरे जिलों की पुलिस के कारनामों का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज।